नमस्कार देवी और सज्जनों, सर हमारे नए ब्लॉग में आपका स्वागत है। एक्चुअली रात हो चुकी है, पूरा अराउंड 6 घंटे ट्रैवल हो गया मेरा, बट ऐसी जगह आया हूँ ना, अगर यहाँ पे वीडियो ना बनाऊँ तो बेईमानी हो जाएगी जगह के साथ। तो हम हैं नादवारा में, और जो शिव जी का जो सबसे बड़ी जो प्रतिमा है यहाँ पे, हम वहाँ पे, तो वो देखिए वो वहाँ ऊपर है। क्या तो अपन एक काम करेंगे, अपन चलेंगे उसके आगे, फिर वहाँ से दिखाता हूँ मैं कि कितना सही। और ये इसका एक्चुअली हम लोग पार्किंग एरिया से निकल रहे हैं, तो पार्किंग इज अराउंड 50 रुपीज़ पार्किंग लगा अपनी गाड़ी वहीं पे पार्क की, वगैरह को पीछे पार्क किया कहीं पे, ठीक है। और ये जो सामने दिख रहा है आप लोगों को, दिस इज़ लाइक अपना ये टिकट काउंटर है। तो वाइफ और मम्मी और जो मेरे वाइफ का ब्रदर है, वो आप एक्चुअली जाके शायद उन्होंने टिकट ले लिया होगा, तो टिकट हम लोग पहले एक बार टिकट का हो जाए तो फिर चलते हैं अंदर। टिकट काउंटर है वो, मतलब जो ऊपर था जो मैंने दिखा था वो टिकट काउंटर है, और इधर से नीचे स्टेयर उतर रही है, और ये जैसे कि थोड़ा वेटिंग एरिया, उधर वो बैगेज वगैरह रखने के लिए काउंटर है। और इधर पीछे देखें तो वहाँ पे वॉशरूम है, सही लग रहा है। एक्चुअली वॉशरूम का एंट्रेंस भी बड़ा ऐसा बनाया हुआ जैसे कोई ज़बरदस्त चीज़ हो। तो अभी लाइट का आई एम नॉट श्योर कितनी आ रही है, बट अभी एडजस्ट करना पड़ेगा रात में, ठीक है। तो ये एंट्रेंस है शायद इसका काम चल रहा है कितना, ठीक है। चलते हैं इस बार, और शुरुआत अपन शिव जी के परम भक्त बजरंगबली से करेंगे, ठीक है। तो पहले अपन बजरंगबली के दर्शन करते हैं एक बार, और ये हमारे बजरंगबली, ठीक है। तो ये यहाँ पे बजरंगबली की प्रतिमा है, और वहाँ पे ऊपर इसका मेन एंट्रेंस पे वो त्रिनेत्र, तीसरा नेत्र जो शिव जी का वो बनाया हुआ है वहाँ पे, तत्पदम ये सही बताऊँ तो अर्थ मुझे नहीं पता है सब कुछ इतना। और इधर मम्मी और भाई, इन्होंने फोटोशूट चालू कर दिया है। तो जी वाइफ एक्चुअली आई नहीं है अभी तक, वो टिकट ले ही रही है वहाँ पे, तो बोले कि वो टिकट लेके आ जाती तो फिर अपन चलते हैं अंदर। तो वहाँ से हमने वो टिकट वगैरह दिखाए हैं पीछे, हाँ उस गेट से, ठीक है, टिकट वगैरह दिखा के। और प्रॉब्लम ये है कि मतलब कल तक ये मुझे बताया गया है कि 7 बजे तक ही चलता था, लेकिन आज बोल रहे हैं कि 8 बजे तक चलेगा इसका लाइट शो, ठीक है। तो अभी देखते हैं, अभी 7:28 हो चुके हैं, अब फटाफट चलते हैं अपन, है ना, और उसके बाद चलते हैं। इसका मेन एंट्रेंस है, तो वहाँ पे सबसे पहले ये शिवलिंग है इधर ऊपर, और पीछे थोड़ा सा उसके नीचे है जो झरना बना हुआ है, थोड़ा इस तरफ आगे चल के जाएंगे। तो सबसे पहले अपने गणपति बप्पा की छोटी सी प्रतिमा बनी हुई है, और स्ट्रेट अभी देखिए ऊपर, भव्यता देखिए इस मूर्ति की, अनमैचेबल, मतलब अनमैचेबल है ये नसीब। लग चलो लगे, लाइट्स भी ऑन हो गई है, बहुत सही है। खैर चलते हैं अभी ऊपर, आई गेस लाइट शो जो था वो तो बंद हो गया, तो अगर किसी को आना है तो बिफोर एटलीस्ट ट्राई टू कम लाइक बिफोर 7, वही ठीक रहेगा। चलिए लग रही है कि शायद थोड़ा जल्दी आ जाते या फिर जल्दी पहुँच जाते हैं तो बहुत सही होता है यहाँ पे। चलते हैं खैर ऊपर अभी, ठीक है। तो अभी जो एक्चुअल मंदिर है, मतलब सॉरी जो मूर्ति है, उसके अंदर अपन जा सकते हैं टेक्निकली। तो ये जो स्टेप्स पे चढ़ के जा रहे हैं, ये उनके जो स्टेप्स हैं, ठीक है। और ये जो मेरे पीछे दिख रहा है एक्चुअली, ये देखिए ऊपर, ये उनका पहले आसन है, देन वो एक पैर शायद दिख रहा होगा यहाँ पे, तो प्रॉपरली तो मुझे नहीं लगता कि इस एंगल से दिखेगा, तो अपन नीचे जाके फिर से शूट करेंगे। बट ये स्टेयर्स, कुछ स्टेयर्स लगभग आई थिंक 60-70 होगी स्टेयर्स, ये चढ़ के अपन पहले इनके चरणों तक पहुंचते हैं, ठीक है। और इसकी भव्यता की जितनी बात की जाए इस मूर्ति की, वो उतनी ही कम है, थोड़ा चलता है। और अगर आपको साइज कंपेयर करनी है तो ये मैं हूँ, और ये इनका खाली अंगूठा है, ये इनका खाली एक अंगूठा है, तो सोचो। और वो जो स्ट्रेट ऊपर दिख रहा है वो उनका दूसरा पैर और उनके उंगलियाँ यहाँ से, एक बार इसको एक्चुअली इसका जो टिकट है वो 200 रुपीज़ का लिया हमने, और उसमें शायद वहाँ तक चरणों तक हम गए शायद वहाँ तक अला हुआ है, और उसके बाद कैसे शायद 400 का भी एक टिकट है जिसके अंदर जा सकते हैं, और एक 1100 रुपये तक का भी टिकट है आई थिंक, अभी तो अवेलेबल है नहीं है वो पता नहीं, जो एकदम आई थिंक शायद जो मूर्ति के अंदर जो लिफ्ट वगैरह जा रही है वहाँ तक, मतलब आई थिंक जो शायद टॉप जहाँ तक जा सकता होगा वहाँ तक ले जाने के लिए होगा। तो ये तो टिकट की डिटेल्स हैं,
ओके okay, और जो जो स्टेयर्स एक्चुअली हम लोग चढ़ के गए थे ऊपर, वो उनके खाली जो स्टेप्स हैं, मतलब उनके जो पैर हैं, सॉरी जो सीढ़ी चढ़ के हम उनके पैर तक गए थे, वहाँ से कुछ ऊपर जाने का नहीं है। तो आपको शूज सैंडल जो भी है वो नीचे उतारने पड़ेंगे, इवन सॉक्स भी वहीं पे स्टेयर्स के नीचे ही उतारने पड़ते हैं वहीं पे, ठीक है। और उसके बाद क्या है कि जो ऊपर अगर जाना है आपको, मतलब इन्होंने प्रोविजन किया हुआ है कि मूर्ति के अपन अंदर भी जा सकते हैं, तो वो ये जो सामने दिख रहा है ये जो पूरा, इसमें कैसा है कि अंदर लिफ्ट है और लिफ्ट के थ्रू अपन जा सकते हैं। और इसका कुछ तो कॉन्फ्लिक्ट हुआ था लोगों के बीच में कि अपन सिर तक नहीं जाने चाहिए, तो उसका कुछ तो डिस्प्यूट चल रहा है अभी। आई एम नॉट श्योर कि कितना रिजॉल्व हुआ है और कहां तक वो लोग अलाउ कर रहे हैं, ठीक है। और एक काम करते हैं अपन, जो इसका जो सेम रेप्लिका है एक्चुअली यहाँ पे दो तीन जगह बनाया हुआ है, तो वहाँ पे पास में, तो अपन चले गए पूरी वहाँ से देखते हैं इसको कि एक्चुअल शेप क्या है इसका, देन वहाँ पे कुछ पिक्स क्लिक करेंगे, और उसके बाद जो पूरी जो है ये प्रतिमा इनकी, वो वहाँ से दूर से अपन उसको कैप्चर कर सकते हैं, ठीक है। वैसे तो हम सब एक्चुअली इनको भोलेनाथ की सबसे बड़ी मूर्ति है या उसके नाम से जाना जाता है, बट एक्चुअल में इसका नाम इन्होंने रखा है स्टैच्यू ऑफ बिलीफ, विश्वास स्वरूपम। ओके, तो जो बड़ी मूर्ति का जो छोटा प्रारूप है एक, मतलब उसके सारे बहुत सारे रेप्लिकाज हैं उसके, तो उसको एग्जैक्ट सेम रेप्लिका है ये, ठीक है। ऑलमोस्ट सारा का सारा कुछ सेम है। और जो उस टाइम पे मैं जब वहाँ नीचे खड़ा था, तो एक समझ लो कि मैं छोटी उंगली जो इसके बराबर था, मतलब ऑलमोस्ट मेरी जो मेरा हाइट था शायद वो इस खाली छोटी उंगली के बराबर था वो। और काफ़ी अच्छे तरीके से एक्चुअली बहुत सारी जगहों पे रेप्लिकेट किया गया, उस साइड में भी है पीछे की साइड में, बट ये यहाँ से अपन देख सकते हैं कि प्रॉपर व्यू मिल रहा है इसका कि भाई एक्चुअल में कैसी है ये, क्योंकि दूर साइड आई एम नॉट श्योर कि इतनी रात गए कैसा आएगा वीडियो इसका, तो खैर यहीं से एक बार अपन अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी अच्छी है ये। ओके, तो अभी हम लोग मतलब जो शिव जी की प्रतिमा है वहाँ से स्ट्रेट नीचे की तरफ जो सीढ़ियाँ हैं, ओके, तो वहाँ से हम लोग चलते जा रहे थे। जैसे जैसे हम लोग नीचे उतरते जाएंगे वैसे आपको आइडिया आता जाएगा कि ये मूर्ति मतलब कि एक्चुअल साइज़ क्या है। और एक्चुअली देखिए वहाँ पे, देखिए थोड़ा दूर वहाँ पे लाइट्स वगैरह लगाई हुई है, लकी शायद हमसे लाइट्स मिस हो गया, अगर वो होता और मैं वो दिखा पाता आप लोग को तो बहुत सही होता था। खैर अभी हम ही नहीं देख पाए, ठीक है। तो अगर अपन देखें अब थोड़ा, शायद अगर अपन देखेंगे पीछे, मेरे पीछे अगर आप देख सकते हो तो अब जाके दिखने लगा है पूरी की पूरी प्रतिमा। तो जैसे ही अपन वो स्टेयर्स उतर के मतलब जो मूर्ति के सामने से नीचे की तरफ आते हैं, उसके एग्जैक्ट सामने ये नंदी महाराज की एक मूर्ति है बड़ी सी। ओके, तो जो नंदी महाराज की जो है प्रतिमा, उसके जस्ट आगे एक वो गार्डन सा बना हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली अगर दिन में आते तो मैं पूरा शायद गार्डन ही दिखा पाता आपको, 8:30 भी बज चुकी है और सिगरेट वाले ने बताया कि हम लोग शायद ऑलमोस्ट लास्ट लोग बचे हैं जो मतलब ग्रुप बचे हैं जो यहाँ पे घूम रहे हैं। तो ये यहाँ पे गार्डन सा बना हुआ है, बीच में शायद टॉय ट्रेन जैसा भी था वहाँ पे, ठीक है। तो दैट्स इट अगर अभी के लिए, तो मैं इतना ही दिखा पाया आप लोग को, काश मैं थोड़ा जल्दी आता तो कुछ ज़्यादा कुछ शेयर कर पाता। चलो यहाँ तक बने, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, सॉरी वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें अपने दोस्तों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय। और अंत में जाते जाते आप सबके साथ हर हर महादेव।